माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत दरगाह है। और दोस्तों अगर आप इस दरगाह पे नहीं आते तो दोस्तों आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। ये पूरी दोस्तों लाइन लगी हुई है ख्वाजा गरीब नमाज का, अंदर जाके दोस्तों फातिहा पढ़ें। तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है और आशा है कि दोस्तों आप सभी मस्त होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दोस्तों मैं अभी हूँ राजस्थान के एक खूबसूरत से शहर दोस्तों अजमेर शरीफ में। और दोस्तों आज का मेरा जो पूरा दिन होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है अजमेर की इन वादियों में। और दोस्तों हम आज एक्सप्लोर, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अजमेर दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत और जहाँ पे पूरी दुनिया से दोस्तों काफ़ी सारे लोग आते हैं क्योंकि दोस्तों इनको ख्वाजा गरीब नवाज। तो दोस्तों अजमेर शरीफ के दरगाह पे पूरी दुनिया से दोस्तों काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों मैं भी आज आया हूँ और दोस्तों है फ्राइडे का दिन और दोस्तों मैं आज आया हूँ अजमेर शरीफ और दोस्तों आज मैं घूमने वाला हूँ पूरा अजमेर शरीफ को और दोस्तों मैं आपको भी घुमाने वाला हूँ पूरा अजमेर शरीफ को। तो दोस्तों अभी मैं अहमदाबाद से फिलहाल आया हूँ। दोस्तों मैं अहमदाबाद में करीबन 6 से 7 दिन रुका था लेकिन दोस्तों मैंने अहमदाबाद की दरगाह को एक्सप्लोर नहीं किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद में भी काफ़ी खूबसूरत दरगाह है लेकिन दोस्तों अजमेर शरीफ दोस्तों इंडिया का खूबसूरत दरगाह में से दोस्तों एक है। तो दोस्तों हम चलते हैं दरगाह। दरगाह जो है स्टेशन से बिल्कुल करीब में है, अगर आप दोस्तों यहाँ पे आना चाहते हैं तो स्टेशन से उतर के दोस्तों बाई वाकेबल भी आप आ सकते हैं जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा बाई वाकेबल ही आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों इस दरगाह की एक खास बात और है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही आते हैं, दोस्तों यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोस्तों सभी लोग उतनी ही आस्था से दोस्तों यहाँ पे आते हैं जितनी आस्था से दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम वगैरह आते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये दरगाह और भी खास हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी सुबह का टाइम है तो दोस्तों आपको यहाँ पे पब्लिक अभी दिख नहीं रही है लेकिन जैसे दोस्तों ये टाइम धीरे धीरे ढलता जाएगा दोस्तों इस रोडों पर आपको चलने के लिए जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये दरगाह कितना अजीब है हम सबके लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए दोस्तों ये बहुत ही अजीब और बहुत ही मायने रखता है ये दरगाह। तो थोड़ी दूर के बाद दोस्तों दरगाह और स्टेशन से दोस्तों मात्र थोड़ा दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, अगर आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी गौ माता अपनी इधर उधर। और दोस्तों आप जब इस दरगाह पे आते हैं तो दोस्तों आपको रूम वगैरह भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे दामों पे, मतलब अगर। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे दोस्तों टाइम ढलता जा रहा है वैसे वैसे दोस्तों लोगों का हुजूम उमड़ता जा रहा है क्योंकि दोस्तों ये ऐसा दर ही है कि यहाँ पे तो लोगों की इतनी भीड़ भाड़ होती है दोस्तों पूछो मत। और दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल एकदम ख्वाजा गरीब नमाज के गेट के सामने दोस्तों आ गया हूँ और दोस्तों मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज के दोस्तों गेट को दिखाता हूँ और गेट को दिखाते हुए दोस्तों मैं अंदर एंट्री करता हूँ लेकिन दोस्तों एक चीज़ और श्योर रखना कि बैग अंदर अलाउड नहीं है तो उसके लिए दोस्तों आपको देख लेना होगा, अगर कहीं मैनेज कर लो तो अच्छा है दोस्तों, बैग वगैरह कहीं रख लो तो अच्छा है। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं, देखते हैं मुझे क्या करना होता है लेकिन सामने दोस्तों दरगाह है। फिलहाल दोस्तों ये है आपने ख्वाजा गरीब नवाज का एंट्री गेट दोस्तों जो कि आप सामने देख रहे हैं कितना खूबसूरत है और दोस्तों यहाँ पे लोग फोटो शूट वगैरह भी करते रहते हैं। तो ये है दोस्तों आपका पूरा का पूरा गेट। मेरा दरगाह का जियारत हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो आपने अभी मैं दिखाया ये था आपका वजू खाना दोस्तों, काफी बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ पे जो पानी का टैंक लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि दोस्तों अगर आप उनको देना चाहते हैं
₹10 दे देंगे तो दोस्तों वो पानी है वजू खाने के अंदर डाल देते हैं, लोग उसको वजू करते हैं, जिससे आपको सवाब वगैरह भी मिलते हैं। और अभी तो लंगर वगैरह भी चल रहा है, तो दोस्तों फिलहाल मैंने ये लंगर ये लिया है, दोस्तों मैं बाहर चल के इसको टेस्ट करूँगा। लेकिन दोस्तों दरगाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और दोस्तों आज जुमा का दिन है, दोस्तों मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ कि दोस्तों मैं आज जुमा के दिन इस दरगाह पे आ गया हूँ, और आज मैं दोस्तों पूरा दरगाह का ज़ियारत करूँगा, और दोस्तों दरगाह को भी मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम चलते हैं दरगाह को एक बार अच्छे से घूमते हैं। फिलहाल दोस्तों जो आपने पीछे देखा वो ख्वाजा गरीब नवाज की बीबी की दरगाह था। अब दोस्तों मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तरफ चलता हूँ। दोस्तों मैं फिलहाल अंदर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एंट्री दिखा देता हूँ। तो ये सामने जो देख रहा है दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज का एंट्री। दोस्तों लोग यहीं से एंट्री कर रहे हैं अभी अंदर। ये पूरी दोस्तों लाइन लगी हुई है ख्वाजा गरीब नवाज का अंदर जाके दोस्तों उनको फातिहा पढ़ने का। दोस्तों चारों तरफ आपको दोस्तों कव्वाली वगैरह करते हुए मिल जाएंगे बंदे। अभी दोस्तों मैं यहाँ जहाँ जा रहा हूँ यहाँ पे कव्वाली शरीफ हो रहा है, दोस्तों कव्वाली हो रहा है, लोग यहाँ पे कव्वालियाँ दोस्तों पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये आपकी खूबसूरत सी मस्जिद, और ये सामने से दोस्तों ये खूबसूरत सा नज़ारा ख्वाजा गरीब नवाज के गुंबद का। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी मस्जिद के फर्श पे घूम रहा था, और दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, दोस्तों दिल खुश हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है दोस्तों पूछो। और फिलहाल दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम से दोस्तों घूमा था, काफ़ी मुझे प्यारा लगा दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों ये देग है, और इसमें दोस्तों हम पैसा वगैरह डालते हैं, और दोस्तों इसमें लंगर का खाना बनता है, जो कि दोस्तों ये देख अकबर बादशाह द्वारा बनाया गया था दोस्तों। लेकिन ये देख दोस्तों काफ़ी बड़ा है, और दोस्तों इतना बड़ा है कि दोस्तों इसमें बहुत सारा दोस्तों एक बार में लंगर बन जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अब हम निकलते हैं बाहर, और चलते हैं दोस्तों हम सलवार शरीफ की तरफ। तो ये दोस्तों हमारा एग्जिट गेट है, और हम दोस्तों अभी इस गेट से होते हुए दोस्तों हम निकलते हैं बाहर, और इंशाल्लाह दोस्तों फिर इनके शाम तक एक आध बार और दरगाह के अंदर। फिलहाल हम अभी दोस्तों यहां से निकलते हैं, इंशाल्लाह शाम तक दोस्तों हम आएंगे, और दोस्तों आप ज़रूर आइए इस दरगाह पे घूमने के लिए। दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत दरगाह है, और दोस्तों अगर आप इस दरगाह पर नहीं आते तो दोस्तों आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जी ख्वाजा गरीब नवाज का दोस्तों ये दरगाह बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा। तो ये रात का नजारा है, कितना खूबसूरत लगता है देख सकते हैं आप।